फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। फ्रेंड्स, आपके लिए एक सुनहरी मौका है। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए जो इंडिया के मोस्ट दो फेमस ब्रीड है, पग एंड जर्मन शेफर्ड, अगर आप ये पप्पी, दोनों में से एक पप्पी जीतना चाहते हो, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी वीडियो आपको एंड तक देखना है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कैसे आप ये डॉग अपने फैमिली में एक नया फैमिली मेंबर, एक नया गिफ्ट अपने लव वंस के लिए ला सकते हो, दे सकते हो। तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखिए। हाय फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तानी बुली और इसके ऑनर है ये। क्या नाम है सर आपका? वासु। आपके बर्थडे पर गिफ्ट। इसकी क्या क्या प्रॉब्लम आपको अभी फेस करनी पड़ रही है? बाइटिंग कर रहा है? यस। बाइटिंग के लिए फ्रेंड, मोस्टली छोटा बच्चा बाइट ज़्यादा करता है, उसके लिए बोन वगैरह आप दे सकते हो और टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग कर सकते हो। और ये ज़्यादातर पसंद करता है नीचे घूमना। और एक और प्रॉब्लम, अभी आपने मेरे को बताया कि आप इसको पहले एक दो बार बेड में सुला दिया अपने साथ, है ना पापा ने, तो अभी ये यूज थ्रू हो गया है बेड में। हाँ जी। तो फ्रेंड्स बी केयरफुल, देखो डॉग को कोई भी ऐसी आदत मत डालिए जो आप कंटिन्यूस नहीं कर सकते। और हमेशा छोटे पप्पी को तो एक प्रोटोकॉल लाइफ, अभी ये बहुत कह लो कि छोटे बच्चे हैं, अनकॉन्शियस हैं और कुछ भी ऐसा जो आप इनको अच्छा लगेगा वो कर देंगे, लेकिन बाद में वो यूज और बाद में वो कंटिन्यूस निभाना प्रॉमिस मुश्किल हो जाता है। देखो जी, अभी भी अपनी बात मना रहा है, वो बोला है मुझे नीचे छोड़ दो। अच्छा लगा आपको? थैंक यू। ओके भाई जी, गुड लक। ब्रीडिंग पर्पस ना डॉग लेने लगे हैं? नहीं, कुछ और ही है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड हैं आए हुए और ये फीमेल लेब्राडोर ले रहे हैं। फीमेल वाई बेस्ट है, बहुत सारी पॉइंट हैं कि क्यों फीमेल बढ़िया रहती है। अगर आप ब्रीडिंग के पर्पज़ से सोचोगे तो भी बढ़िया रहेगी फीमेल, अदरवाइज फ्यूचर में कभी भी आपको जो फीमेल बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल ब्रीड होती है। और अगर सिंपल भाषा में बात करूँ, किसी भी ब्रीड में फीमेल की हेडेक कम होती है मेल से। मेल कभी कभी बहुत सारी शैतानी भरी हरकतें या ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जो भी हमें थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगती हैं फैमिली के साथ। तो ओके, कुछ नाम सोचा है इसका? स्काइलर। क्या? स्काइलर। स्काइलर, ओ फ्रेंड, ये देखिए इसका नाम है स्काइलर। ओके जी ब्रदर, थैंक यू।
क्या हाल है आपके? आज हम आए हैं मजीठा रोड पे अमृतसर में, तो यहाँ पे पपी डिलीवरी करने आए थे। अनफॉर्चुनेटली कल क्या हो गया कि जो डॉग आना था यहाँ से, वहाँ से कुछ देरी हो गई थी, जिस वजह से कस्टमर्स तो आए थे हमारे पास, लेकिन डिलीवरी लेट होने की वजह से आज हमने इन्हें होम डिलीवरी दी है। तो होम डिलीवरी करने आए थे, ये सारी चीज़ें जो आपके सामने पड़ी हैं ऑलरेडी, इनको सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे कैसे यूज़ करना है इनका। और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनकी इन्होंने ही फोर्स किया था अपने पापा को पपी लेने के लिए, जो लग रहा है मेरे को देख के इन्होंने अपने पापा को फोर्स किया था पपी लेने के लिए। तो इनका मन था जर्मन शेफर्ड लेने का, और ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं। ये फीमेल है, KCI रजिस्टर्ड फीमेल है ये, और सभी डाइट प्लान इनको बता दिया गया है कि जो लॉन्ग कोट पपी रहते हैं इनके जो बालों की वजह से जाने जाते हैं, और एंगुलेशन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वीडियो में दिखा दी गई हैं। तो न्यूट्री कोट ओमेगा 3-6 सप्लीमेंट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं इनके लिए, प्लस मल्टी विटामिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। ऑलरेडी जब न्यू पपीज होते हैं, जब देने जाते हैं, डिलीवर करने जाते हैं, तो सफ़र के दौरान इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी सारी चीज़ें इन्हें बता दी गई हैं कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिस वजह से इनडाइजेशन ना हो, और इंजेक्शन वगैरह भी सब बता दिए गए हैं। तो ऑलरेडी वेटनरी डॉक्टर हैं इनके नून में, तो वहाँ पे जाएंगे एक दो दिन में, राइट। और अपना नाम बताइए एक बार, क्या है आपका? मेरा नाम अरमानप्रीत सिंह की बात। अरमानप्रीत सिंह, इस अरमानप्रीत सिंह ने आज हमको लोकेशन सेंड करी थी जो कि इनके घर से 10 किलोमीटर लगती है। हम जब सुबह आ रहे थे तो हमने इनको बोला कि आप लोकेशन सेंड कर दो, हम आते हैं आपके पास। तो जब इन्होंने लोकेशन सेंड करी, वो 10 किलोमीटर यहाँ से दूर थी, और फिर 10 किलोमीटर से यहाँ पे आए, अपोजिट साइड पे चले गए थे हम, मतलब ढूंढने में आधा पौना घंटा चले गया हमारा। कोई बात नहीं, हम देख के खुशी हुई है, ये सब चीज़ें ले रहे हैं और एक अच्छा पपी डिलीवर करने आए हैं। तो एक और चीज़ सब्सक्राइबर्स के लिए, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं डॉग्स इक्वेरी के लिए, तो वो थोड़ा सा डिले हो रहा है डॉग्स के रिगार्डिंग, डॉग के हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस होते हैं, कभी कभी रिप्लाई नहीं हो पाता है टीम से, क्योंकि मैसेजेस का बहुत ज़्यादा लोड होता है, कॉल का बहुत ज़्यादा लोड होता है, लेकिन एक दो दिन में रिप्लाई हो जाते हैं। पर कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि हम फिज़िकली डॉग को देख के बता नहीं सकते, तो आपको किसी जो अच्छा वेटनरी डॉक्टर है आपके आसपास, वहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। बाकी जो भी ज़्यादातर कस्टमर्स के जो भी इशू आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं या हमारी एप्लीकेशन पे मैसेज आते हैं, वो ज़्यादातर नॉर्मल इश्यूज रहते हैं कि मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा है, टिक्स की प्रॉब्लम है, मेरे डॉग के बाल जल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सारे नॉर्मल इश्यूज़ हैं। और ऑलरेडी इस पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी, और अभी तो जो वीडियो देखने लायक है वो है भोला शोला समर डाइट, तो आप ज़रूर देखें समर में क्या क्या डॉग को देना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। आप हैप्पी हो डॉग को देख? हाँ जी। कितने हैप्पी हो उधर दसो? ये हमें डॉग डिलीवर किया था इन्होंने, जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट, और ये बहुत ही अच्छा डॉग है, इसके हेयर वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, तो वेट वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली ये डॉग इसका है, इसका नाम अरमानप्रीत है, और इसका डॉग है ये। तो ये डॉग मीन भी ये पहले अपने पापा को कहता था कि मुझे चाहिए चाहिए, तो आज इसका सपना पूरा हो गया है, है? हाँ, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक्स सर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेट्स करिए एक बार फिर न्यू ओनर को, और बाकी जो भी डॉग्स इंक्वायरी हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है,
कभी कभार अभी ऐसा सिलसिला चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर जो डॉग्स रहते हैं उनकी क्रॉसिंग नहीं करवाई गई है, तो एक डर था ब्रीडर में कि क्रॉसिंग करवाने से शायद उनके पपी सोल्ड आउट ना हो, लेकिन अभी डिमांड इतनी ज़्यादा रही है और प्रोडक्शन कम है, तो इसी वजह से कई जो कस्टमर हैं हमारे उनको डॉग्स की पिक्चर लेट मिलती हैं, कईयों को डॉग्स डिलीवर नहीं हो पाते हैं, तो ऑलरेडी कस्टमर इंक्वायर करते हैं क्योंकि इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे आपको अच्छी सुविधा देने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो और अच्छे से अच्छे लाइक करते रहें, ठीक है, थैंक यू। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਇਸ ਦੇਖੀ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਿੰਕ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों पड़ोसियों पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।